Hi, no. welcome to Sumo Blogs. I hope सब सेफ है घर पे और वैक्सीन ले रहे हो. तो आज हम आपको बताने जाएंगे हाउ टू मेक होममेड पनीर. ये आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे बट ये भी एक देख लीजिए. ये मैंने इस घर पे ट्राई किया है और सक्सेसफुल हुआ है. तो इजीली घर पे अवेलेबल भी होगा, न्यूट्रिशियस भी रहेगा. बाहर से लेने से बेहतर है कि आप घर पे ही दूध खरीद के उसका पनीर बना लें और ऑन द स्पॉट जल्दी मिल भी जाता है. विद इन 1 or 2 hours में आपके हाथ में पनीर भी रहता है, तो दुकान जाने की जरूरत नहीं, घर पे होममेड पनीर मिलेगा. तो प्लीज सी द वीडियो. पनीर बनाने के लिए आपको पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा. थोड़ा सा पानी डालिए ताकि वो दूध ना नीचे पकड़े नहीं. और मैं भैंस का दूध यूज कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा गाढ़ा आए. अभी ये उबाल आने तक इसे हम एक बार बॉईल आ जाएगा ना, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 नींबू का रस. ठीक है, तो बॉईल होने के लिए वेट करते हैं. अभी ये बॉईल हो रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से बॉईल होने के बाद स्टीम स्लो करना है. एकदम लो स्टीम में रखिए. बाद में जब ये बॉईल आ जाएगा इसमें, उसके बाद थोड़ा नीचे उसको नीचे से ऐसे ये हिलाना, नहीं तो नीचे पकड़ने का चांस है. अभी आई फील बर्तन मेरा थोड़ा छोटा हो गया. अभी ये बॉईल हो गया तो मैं अभी इसको सिम कर रही हूँ. सिम करने के बाद 4-5 सेकंड ऐसे थोड़े उबाल आने दो. इसमें आप ये पनीर बनाने के लिए आप लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं, विनीगर, ये तो कर्ड भी यूज कर सकते हैं. ये तीनों में से कोई भी चीज़ अवेलेबल रहेगा आप यूज कर सकते हैं. जैसे लेमन डाल रहे हैं वैसे वही टाइम में कर्ड नहीं तो विनीगर भी डाल के इसको पनीर दूध फाड़ने के लिए वो यूज होता है. अगर ये लेमन नहीं अवेलेबल है तो दही डाल सकते हो, दही नहीं तो विनीगर भी सही. तो हम अभी थोड़ा 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 करके एक एक लेमन जूस डालते हैं. ये 2 लेमन जूस है. लो फ्लेम में ये करना है जब तक वो एक पानी और वो मलाई जो है, जो वो आता है क्या बोलते हैं पनीर का, वो सेपरेट होने तक थोड़ा सा लो फ्लेम में सिम में रखना है. देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए सेपरेट हो रहा है. और ये करते वक्त या तो आप फ्रिज में ठंडा पानी रखिए या आइस रखना, क्योंकि अभी मैं जो नेक्स्ट इसका प्रोसेस बताऊंगी उसमें हमें वो रिक्वायर्ड है. अच्छी तरह से भैंस का दूध है बोल के ना वो ज़्यादा मलाई मिलता है उसमें, इसीलिए मैंने वो यूज़ किया. नहीं तो आप फुल क्रीम मिल्क भी यूज़ कर सकते हो, फुल क्रीम मिल्क भी आता है. थोड़े देर और ऐसा रख लेते हैं क्योंकि ओवर कुक हो जाएगा नहीं तो पनीर. ये देखिए ये सेपरेट हो गया है. तो हम लोग क्या करें कि पानी जैसा दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन वाटर टाइप, और ये मलाई अलग, ये जो मलाई है वो अलग से दिख रही है. तो हमें ये गैस ऑफ कर देते हैं. जब तक छन्नी चाहिए, ऐसा एक छन्नी. अभी एक मस्कलिंग क्लॉथ चुन्नी को ऐसे इसमें छन्नी के ऊपर ऐसे डालना है. फिर जो पनीर, जो पानी ये हुआ है डालना है. और जो ये पनीर का जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं छानना है. एक्चुअली बहुत गर्म है इसलिए इसे आप
क्लीन भी करेंगे और इसका जो गर्मी है इसको थोड़ा कूल करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा आइस भी डाला है क्योंकि आइस हम लोग ऐसे रखते नहीं घर पे, तो जस्ट इसी के लिए मैंने थोड़ा आइस जमा किया था। इसको अच्छी तरह से ठंडा, ये हम क्यों कूल कर रहे हैं क्योंकि ये क्लीन भी हो जाएगा और ये ज़्यादा ओवर कुक हो जाए ना हो, इसीलिए क्योंकि वो पानी के गर्मी में वो ओवर कुक हो जाए। ये ऐसा एक बर्तन लेना है, ऐसा एक टोप या किसी के ऊपर रखना है। उसके बाद इसमें आपको जैसा चाहिए ऐसा इसे दबा के थोड़ा पनीर को रख दीजिए। फ्लैट बना दीजिए इसको फ्लैट, और इसके ऊपर कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखना है आपको। ये तो ये ऐसे बर्तन में थोड़ा पानी भर के उसके ऊपर दबा के एक घंटे तक इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया, तो हम लोग अभी चेक करते हैं पनीर कैसे बना है। देखिए इसको भी एक प्लेट में, कितना सॉफ्ट, इसको अभी कट करते हैं। देखिए हमें इतना पनीर मिल गया है, और जब आप ये पनीर का करी या कुछ बनाओगे वो पनीर का टेस्ट एकदम डिफरेंट होगा। जो दुकान से मिलता है उससे तो एज़ कम्पेयर्ड ये हेल्दी है और एकदम मेल्ट हो जाएगा आपके, आप जैसे मुंह में ले लोगे एकदम मेल्ट होगा। आपको ये इसमें पानी डाल के रिफ्रिजरेट करेंगे तो 2-3 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आई होप ये आपको यूज़फुल रहेगा। प्लीज़ कमेंट मी और Thank you.